हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल आया हुआ हूं अपने चंदन भाई के खेत में। यहां देखिए ढांचा जो है बिल्कुल पलटाई हो रही है ट्रैक्टर द्वारा। ये पलटाई हो रही है, अभी पहली बार पलटाई, इसके बाद एक बार और पलटाई हो करके तब ये धान लगवाएंगे, जैसा कि आपको हम अभी दिखाते हैं। हाँ, ये ढांचा को आज उल्ट पलट कर रहे हो? हाँ, लेकिन ये जूरे में जोता नहीं था, इसमें टक्कर भी धस रहा है। लेकिन तुम्हारे लिए क्या है, चाहे जना धसे तुम तो जोत। हाँ, वो तो है, हमारी गाड़ी है ना, कौन इस बहुत ताकत है इसमें। बहुत ताकत है, और उसके बाद तुम्हारे पास हिम्मत बहुत है ना, इसलिए इसको और रफा दफा कर दोगे। हाँ, हमें लग रहा शाहिद जब चढ़ गए तो इसको फाइनल कर देंगे यार। ये जा रहा है लेके ट्रैक्टर अब। कक्कू, हाँ, ये ढांचा ऊंचा बो दियो इस बार खेत में? हाँ, ढांचा जुताई हो रही है। अच्छा, तो इसे जुतवा करके कब लगेगा? बस एक हफ्ता बाद। एक हफ्ता बाद धान लग जाएगा। हाँ, अभी इसके एक पलटाई और कराओगे? हाँ, एक पलटाई और होगी। हाँ, तभी सड़ेगा? हाँ, तभी सड़ेगा अच्छी तरीके से। तभी अच्छी पैदावार देगा। हाँ, चंदन भाई फिर ढांचा ऊंचा आज जुतवा रहे हो? हाँ भैया, ढांचा जुतवा रहे हैं इसकी जो है। हाँ, पहले जो है इसको जोता जाएगा, फिर उसके बाद एक बार जोतने के बाद दूसरा, जब दूसरी बार पलटवाएंगे तभी तब सड़ेगा, सड़ जाएगा। हाँ, तो पहली बार में तो दूसरी बार खेत बनाया जाएगा, उसके बाद धान तो कभी लगेगा भैया ये। हाँ, लेकिन उर्वरक शक्ति इसकी बढ़ जाएगी। लेकिन अब की आप अच्छा काम किए हो। हाँ, हर खेत में लगभग आप सारे खेतों में बो दिए हो, बहुत अच्छा काम किए हो। 10-15 बीघे जो है ढांचा बोए, बहुत बढ़िया काम किए हो। हाँ, और इसमें धान भी अच्छा होगा? हाँ, धान देखा अब ऊपर वाले नहीं होगा, अच्छा होगा क्योंकि हरी खाद है। हाँ, ये हरी खाद है जो है, तो अच्छा आएगा। हाँ, इसमें रिजल्ट। हाँ, तो भैया ये हाथ में तो आपके चोट वोट भी लग गई है? लग गई थी, गिर गए थे। अच्छा अच्छा, एक्सीडेंट हो गया था। हाँ, तो ट्रैक्टर तो चल रहा है? हाँ भैया, ट्रैक्टर चल रहा है। काफी दूर है यहाँ से? लंबा खेत है। हाँ, बड़े बड़े खेत है, इसमें ढांचा बो के तैयारी कर दिए हो आप। खैर, ये शाहिद वाला ट्रैक्टर है, ड्राइवर अच्छा लिए हो। हाँ, ये जोत के ही निकलेगा। हाँ, नया लड़का है, जोश में काम करता, अच्छा काम कर जाता। हाँ, मौसम भी बढ़िया बन गया है। हाँ, बिल्कुल बदली है, घास धूप भी नहीं है। अब ये ये ये, ये, ये नर्सरी डाले हो? नर्सरी भी डाल रखे हैं, बैरन तैयार कर, बैरन तो पूरा तैयार, कोई खाद का प्रयोग ही नहीं किए हैं। अच्छा। हाँ भैया, कोई खाद का प्रयोग नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। हाँ, अपने मन से तैयार हुआ है ये नर्सरी। हाँ हाँ, काफी अच्छी तैयारी पे है नर्सरी। हाँ हाँ है। अब चलो, अब सीजन भी हो गया, जल्दी से जोतवा उतवा के आप लगवा के ओके कर देंगे इसको। हाँ, लग जाएगा। आदमी मिलने में भी तो दिक्कत हो रही है, थोड़ी दिक्कत, तब तक तो आपको ढांचा भी सड़ेगा ना। अब शायद देखो, बिल्कुल गाना वाना बंद लगा करके शुरू कर दिया है। जैसा आपको हम जूम करके दिखा रहे हैं, भाई भाई। हाँ भैया, ऐसा बढ़िया तरीके से जो है जोत रहा है, ऐसा बहुत तरीके से भैया जोत रहा है, ये बहुत अच्छे से मिला रहा है, बहुत अच्छे मिल जा रहा है इसमें। हाँ, बहुत अच्छे से मिलाई कर रहा है भैया। हाँ, और बढ़िया काम किए हो आप। हाँ भैया, खेती के लिए बहुत नंबर एक चीज मानी भी जाती है ये। और भैया, और इसे मतलब जैसे आप डीएपी ओपी डालते हैं, उसकी जरूरत इसमें नहीं, उसमें जरूरत नहीं है भैया, क्योंकि डीएपी काम ये खुद करेगा। अब भैया, इसमें हम पैरा भी जो होता है उसको पराली भी इसी में रखे हैं हम, भूके नहीं भैया पराली। अच्छा अच्छा। हाँ, इसी में जुटा दिए थे। बहुत ताकतवर बना दिए हो खेत। हाँ, खेत को ताकतवर। तो इसमें यूरिया चिंग तो नाम मात्र है, नाम मात्र है, ट्रैप ड्रेसिंग करेंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे, बस खाली लग जाए बस। देखिए हमारे चंदन भाई ढांचा की बिल्कुल खेती मतलब हरी खाद के लिए पूरी तैयारी, हर खेत में बो दिए हैं ये। तो ये रहा भैया, दोस्तों आप लोगों को दिखा रहे हैं जो हम, आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आपका दोस्त राहुल, खेती किसानी से जुड़ी हर चीज़ें मैं आपको पहुँचाता रहूँगा।